हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन स्टाइल मैगी, जो कि बहुत ही यम्मी होती है और इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने एक पैन में पानी लिया है और उसमें दो पैकेट मैगी डाल दी है। हम दो पैकेट का बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम 2 मिनट तक उबाल लेंगे। इसको उबालने के बाद हम इसको एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे और इसको फिर एक बार ठंडे पानी से इसको थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे, इससे ये खिली खिली रहती है। देखिए हमारी मैगी कैसे खिली खिली लग रही है, ये आपस में चिपकने नहीं चाहिए। इसके लिए हमने एक ऐसे स्लाइस में काटा हुआ प्याज, थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च, थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च और थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो जो आपके पास अवेलेबल हो उससे भी बना सकते हैं। मेरे पास ये तीनों थी, इसलिए मैं इसको तीनों डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच लिया हुआ क्रश किया हुआ गार्लिक। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये चाउमीन स्टाइल मैगी बनाना। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और उसमें एक कढ़ाई या पैन, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं वो रख दीजिए। और इसमें अब थोड़ा सा ऑयल डालिए, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी चाहें आपके पास अवेलेबल हो वाला रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हल्का गर्म होने पे, उसके बाद हल्का गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे ये डाइस किए हुए अनियन। इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं वो करना है, सिर्फ थोड़ा सा करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। इसको हमने इतना ही करना है। इसके बाद हमने ये जो चॉप किए हुए गार्लिक ये डाल देना है, इसको भी थोड़ी देर कीजिए, हल्का सा मिक्स करना है अनियन के साथ। अब इसमें ये तीनों शिमला मिर्च मिक्स कर देंगे। इसको हमने क्रंची होने तक करना है, क्योंकि इसको हमने ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्रंची ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम ये पेस्ट मेकर ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ा सा चिल्ली टोमेटो सॉस और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम में रोस्ट करेंगे। सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस अब हमें इतना ही क्रंची रखना है। अब इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। अब इसमें ये नूडल्स ऐड कर देंगे। देखिए हमें ऐसे ही खिले खिले रखने हैं, इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। इस नूडल्स को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करना है। थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर देंगे।
देखिए झटपट नूडल्स तैयार हैं और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आओ इसको प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारी चाउमीन स्टाइल मसाला मैगी तैयार है। ये खाने में बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।